साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। उम्मीद की जा रही थी कि IPL के जरिए टीम इंडिया का टिकट काफ़ी सारे युवा खिलाड़ियों को मिलेगा और मिला भी, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों को आराम के साथ साथ IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले सीनियर खिलाड़ियों को सेलेक्टर से नज़रअंदाज किया। इसमें सबसे पहला नाम आता है शिखर धवन का, जिन्होंने पंजाब की तरफ से शानदार बल्लेबाजी की लेकिन टीम इंडिया का टिकट नहीं मिला। इसके अलावा दिनेश कार्तिक जो RCB के विकेट कीपर हैं, जिन्होंने तूफानी पारी खेली और 36 साल की उम्र में T20 टीम में वापसी कर ली है। ऐसे में शिखर धवन के सिलेक्शन पर उनके करीबी दोस्त ने साफ तौर पर कहा है कि जब DK की वापसी हो सकती है तो गब्बर में क्या बुराई है, और ये कैसा सिलेक्शन है, देखिए किस खास दोस्त ने गब्बर की तारीफ की है और सिलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। सेलेक्टर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन को फिर से टीम इंडिया में जगह नहीं मिली। शिखर धवन के फॉर्म को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज़ में उन्हें कप्तान भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तक कि शिखर धवन को इस टीम में मौका तक नहीं मिला। इसके अलावा KL राहुल उनके आगे निकल गए। KL राहुल को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया। हालांकि धवन का ये IPL सीजन बेहद ही शानदार था। धवन ने कई कमाल की एक पारियां खेली जिसके बलबूते वो टीम इंडिया का टिकट हासिल करना चाहते थे। कुछ दिन पहले धवन ने टीम इंडिया के लिए T20 खेलने की इच्छा भी जाहिर कर चुके थे, मगर सेलेक्टर ने उनको नज़रअंदाज कर दिया। धवन ने IPL सीजन 15 में 14 मुकाबले में 122 रन के अधिक स्ट्राइक रेट से 460 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 88 रन का रहा। आखिरी लीग मैच में पंजाब की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। इसी मुकाबले में पंजाब किंग्स के ओपनर शिखर धवन ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। धवन IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। धवन के बाद कोहली के नाम 576 चौके हैं। शिखर धवन IPL में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। IPL में शिखर धवन अभी तक 6244 रन बना चुके हैं, जिसमें 47 हाफ सेंचुरी और 2 शतक हैं। धवन के ना चुने जाने पर जहां फैंस काफ़ी नाराज़ हैं, तो वही टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और गब्बर के दोस्त सुरेश रैना ने भी सिलेक्शन पर सवाल उठाए हैं और बताया है कि शिखर धवन बहुत ही डिप्रेशन में होंगे। हर कैप्टन शिखर धवन जैसा बल्लेबाज को चाहता है और उन्होंने हमेशा रन बनाए हैं, चाहे वह घरेलू हो या इंटरनेशनल T20 हो। अगर आप दिनेश कार्तिक को टीम में वापस ला सकते हो तो शिखर धवन को भी टीम में जगह मिलनी चाहिए, वो टीम में जगह डिजर्व करते हैं। टीम का ऐलान होने से पहले ये बात साफ थी कि इस सीज़न कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, खासकर उन खिलाड़ियों को जिन्होंने IPL में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है, और ये बात सच भी साबित हुई और नए खिलाड़ियों को मौका भी मिला। लेकिन दोस्तों, कुछ डिजर्विंग खिलाड़ी जो होते हैं, सीनियर्स खिलाड़ी, उनको सेलेक्टर्स ने नज़रअंदाज कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि शिखर धवन के साथ गलत हुआ है, सेलेक्टर्स ने उन्हें नज़रअंदाज किया है या उनको साउथ अफ्रीका T20 सीरीज़ में होना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। और अगर आप शिखर धवन के फ़ैन हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।